हिमाचल भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे और खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो आज हम आपको ऐसी ही जगह के सफर पे लेके चलेंगे जो हिमाचल की सबसे अनएक्सप्लोर्ड जगह होने के साथ साथ यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और यहाँ के आसपास आपको कुछ ऐसी जगहें घूमने को मिलेंगी जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं एक वर्क फ्रॉम होम डेस्टिनेशन के लिए या फिर एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के लिए जहाँ पे आप हफ्ता या महीने के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो सके, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में हम आपको धर्मशाला के सफर पे लेके चलेंगे और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं, यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है और आप यहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो अगर हम बात कर लें यहाँ की लोकेशन की, तो धर्मशाला लोकेटेड है दिल्ली से लगभग 460 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और पठानकोट से लगभग 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से धर्मशाला आना चाहते हैं तो दिल्ली तक आप या फिर पठानकोट तो पहले आप फ्लाइट ले सकते हैं और उसके बाद आप दोनों ही जगहों से डायरेक्ट वॉल्वो बस धर्मशाला तक ले सकते हैं। दिल्ली से बस लेने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कश्मीरी गेट। अगर आप हैं एक लो बजट ट्रैवलर तो आप वहां से HRTC की गवर्नमेंट बस धर्मशाला तक ले सकते हैं जो आपको बहुत ही सस्ते 600 से 700 रुपए के किराए तक पड़ जाएगी। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं वॉल्वो बस में तो कश्मीरी गेट से थोड़ा आगे मजनू के टीला तक आपको ट्रैवल करना होगा। वहां पे आपको सभी प्राइवेट बसेस के ऑफिसेज मिल जाएंगे और वहीं से आप वॉल्वो ले सकते हैं जिसका किराया 1000 से 1500 रुपए तक वेरी करेगा। और पठानकोट से तो रेगुलर इंटरवल पे ही धर्मशाला के लिए बस चली रहती हैं, तो आप कोई भी बस लेके धर्मशाला पहुंच सकते हैं। धर्मशाला ट्रिप के फर्स्ट डे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का स्टेट वॉर मेमोरियल जो उन जवानों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया इस मातृभूमि और हमारी सुरक्षा के लिए। इस वॉर मेमोरियल के सेंट्रली लोकेटेड है ब्लैक मार्बल वॉल्स जहां पे उन सभी वीर योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं। तो अगर आप भी कभी धर्मशाला आए तो इस जगह को कभी भी स्किप ना करें क्योंकि इस जगह में आके आपको एक गर्व की फीलिंग आने वाली है। हम भी जब धर्मशाला इस बार गए थे तो स्टेट वॉर मेमोरियल हमारी विशलिस्ट में सबसे ऊपर था, तो हमने सबसे पहले इसी जगह को कवर किया। स्टेट वॉर मेमोरियल में आपको देखने को एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी मिल जाएगा, तो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छी जगह खेलने के लिए हो सकती है। और इसके अलावा आपको यहाँ एक टैंक भी देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान का है और जिसको हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान से कब्जे में लिया था। और इसके बाद आप कवर कर सकते हैं धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम जो भारत का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है क्योंकि यहाँ से मैजेस्टिक धौलाधार के बहुत ही शानदार व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। स्टेडियम और स्टेट वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करने के बाद फर्स्ट डे आप धर्मशाला में ही रुक सकते हैं और नेक्स्ट डे आप ड्राइव कर सकते हैं मैक्लोडगंज की तरफ जहाँ रास्ते में आपको देखने को मिलेगा सेंट जॉन्स वाइल्डरनेस चर्च। सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च 1852 में बनाया गया था और ये नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है और साथ ही यहाँ पे उस वक्त के वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन की भी डेथ हुई थी। हमने भी अपने ट्रिप के सेकेंड डे इस जगह को विजिट किया था और ट्रस्ट अस गाइस, जो शांति और सुकून आपको इस जगह में मिलेगा वो बहुत ही अलग होगा। तो अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो इस जगह को अपनी विशलिस्ट में ज़रूर डालें। तो अब बात कर लेते हैं धर्मशाला को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूं तो धर्मशाला को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैं स्नोफॉल के दीवाने तो धर्मशाला में आपको नड्डी, धर्मकोट और मैक्लोडगंज में
जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में स्नो देखने को मिल ही जाएगी। और अगर आपको पसंद है लश ग्रीनरी तो हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप यहाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में वैसे भी क्राउड बहुत कम हो जाता है, तो इस जगह को शांति में घूमने का आपको अलग ही मजा आने वाला है। हमने पर्सनली ये ट्रिप मिड फेब में प्लान किया था और उस टाइम के नज़ारे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए आपको 15 मिनट से आधे घंटे का वक्त ही लगेगा, क्योंकि हम धर्मशाला से सुबह 9 बजे ही निकल गए थे तो हम मैक्लोडगंज लगभग 9:30 के आसपास पहुंच गए। तो इसीलिए हमने पूरा दिन मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने का सोचा। मैक्लोडगंज में आप घूम सकते हैं यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ का माल रोड और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज। एक और चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सी शॉप्स में तिब्बतन कल्चर का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और क्योंकि मैक्लोडगंज को वैसे भी लिटिल लहासा बुलाया जाता है तो इस जगह में आपको एक वैसी ही वाइब आने वाली है। और इसके अलावा आप यहाँ पे हिज होलीनेस दलाई लामा जी की रहने वाली मोनेस्ट्री भी देख सकते हैं। हमने भी इस जगह को विजिट किया था लेकिन कोरोना के कारण ये मोनेस्ट्री उस टाइम बंद थी तो हम इस मोनेस्ट्री को अंदर से विजिट नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जब आप लोग विजिट करेंगे तो तब तक शायद ये मोनेस्ट्री खुल जाए। मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के बाद हम सेम डे ही मैक्लोडगंज से धर्मकोट की ओर चले गए। धर्मकोट एक बहुत ही खूबसूरत और एक शांत गांव है जो मैक्लोडगंज से लगभग 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर आपने कभी मनाली में ओल्ड मनाली को विजिट किया है तो वैसा ही सेम वाइब आपको यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ भी विलेज के बीच में आपको बहुत से यूनिक और ऑथेंटिक कैफेज देखने को मिलेंगे। धर्मकोट को एक्सप्लोर करने के बाद हम शाम तक मैक्लोडगंज की ओर चले गए, लेकिन अगर आपका धर्मकोट में रुकने का मन है तो आप धर्मकोट में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा होम स्टेज और छोटे मोटे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्टे ऑप्शंस की। यूं तो मैक्लोडगंज में आपको रहने के लिए बहुत से होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो पर्सनल रिकमेंडेशन हमारा मैक्लोडगंज में रहने के लिए आप लोगों को रहेगा वो रहेगा लविश इन का। लविश इन की सबसे खास बात यह है कि ये मैक्लोडगंज में बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ से आप आसपास बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ का फूड और क्लीनलीनेस बहुत अच्छी थी। और यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि होटल के ही नीचे आपको इनका प्राइवेट क्लब देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इसे बुक करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल करके इस जगह को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपने ट्रिप के लास्ट डे हम भागसू टेम्पल और भागसू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। मैक्लोडगंज से भागसू टेम्पल लगभग 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो आप इस डिस्टेंस को बिल्कुल आराम से पैदल ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को गाड़ी में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रोड पतले होने के कारण यहाँ पे बहुत लंबे ट्रैफिक जैम्स भी लग जाते हैं। भागसू टेम्पल में माथा टेकने के बाद हमने भागसू वाटरफॉल की ओर चले गए। भागसू वाटरफॉल भागसू टेम्पल से लगभग 15 मिनट की हाइक पे होगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी हाइक नहीं है तो इसे किसी भी एज का आदमी बहुत ही आसानी से कवर कर सकता है। हमें भी इस छोटे से ट्रैक के लिए लगभग 10-15 मिनट का वक्त ही लगा, और साथ ही रास्ते में आपको छोटी मोटी चिप्स और चाय की शॉप्स में मिल जाएंगी जहाँ पे आप चाय वगैरह पी के रिफ्रेश हो सकते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे भागसू वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे ही देख रहे हैं। भागसू वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस मैक्लोडगंज की ओर चले गए, जहाँ से हमने ड्राइव करके नड्डी की ओर जाने का फैसला किया। मैक्लोडगंज से नड्डी लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और रास्ते में ही आपको द ब्यूटीफुल डल लेक भी देखने को मिलेगी जिसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों ने ये ट्रिप लगभग 3 दिन के टाइट शेड्यूल पे कंप्लीट किया था तो हम सिर्फ 2 ही दिन का स्टे यहाँ बना पाए,
लेकिन अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप स्पेयर रख सकते हैं एक दिन नड्डी के लिए, एक दिन धर्मकोट के लिए, एक दिन मैक्लोडगंज के लिए और एक दिन धर्मशाला के लिए। तो ये लगभग आपका 4 से 5 दिन का ट्रिप बन जाएगा। और अगर आप एक हफ्ते का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र धर्मशाला का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में धर्मशाला ट्रिप को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे।